चलो ना लिसन, होमवर्क सम चेक कर लो। होमवर्क में फर्स्ट सम सन मून स्टार वाला, उसमें रियलाइजेशन लॉस वॉज 4000, इज दैट राइट? रियलाइजेशन लॉस आया 4000, डिविजन इज 2000, 1200 and 800, ओके? देन पार्टनर्स कैपिटल्स, संभालो यार तुम लोग, एक तो लेट आने का ऊपर से ध्यान नहीं देते, जाओ अभी सन मून स्टार में प्रॉफिट आ रहा है। सन मून स्टार यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 26,000, इज दैट राइट? देखो सन मून स्टार वाले में सन्ड्री एसेट्स का टोटल इज 1,45,000, डेबिट साइड बता रहा हूं देख लो, टू बैंक अकाउंट 6,000 आया, फिर टू मून कैप 24,000, इधर बाय सन्ड्री लाइबिलिटी 60,000, बाय बैंक 78,000 और बाय सन कैप 63,000, टोटल इज 26,000 का प्रॉफिट, 26 का प्रॉफिट है और डिस्ट्रीब्यूशन है 13,000, 7,800 and 5,200 मिला। पार्टनर कैपिटल में फाइनल सेटलमेंट था टू बैंक, दो का टू बैंक है मून और स्टार का 26,300 and 93,200 और सन का बाय बैंक आ रहा है 7,500 और बैंक टेलीजॉन 125,500। दूसरा सम श्याम, क्या नाम है ये पार्टनर का? विजय, संजय एंड वैभव, वैभव संजय एंड संतोष, उसमें रियलाइजेशन लॉस आ रहा है 19,800। बैंक बॉडी लाइबिलिटी में लेके पे ऑफ करना है, पे ऑफ किया, पे ऑफ करना है ना, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, बाय बैंक बॉडी टू बैंक बॉडी पे ऑफ करना है। सो रियलाइजेशन लॉस इज 19,800, यू गॉट इट? और बैंक ओडी को बैलेंस में नहीं लिखना है, हेलो, बैंक ओडी को बैलेंस में नहीं लिखना है, कहां लिखना है? बैंक ओडी रियलाइजेशन क्रेडिट एंड पे ऑफ, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड ट्रांसफर करके पे ऑफ करना है, पहले भी बताया था मैंने। नाउ इधर का दो अमाउंट, सबको आया ये लॉस आया 19,800? नहीं, वो रॉन्ग है, इट्स नॉट रॉन्ग, अलाउ कर भी सकता है, बट बेटर इट इज ऑलवेज ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन क्रेडिट एंड देन पे ऑफ, ट्रीट इट लाइक टू सेपरेट अकाउंट्स, जो बैंक है वो अलग है, बैंक बॉडी वो अलग है। सो रियलाइजेशन में लॉस आ रहा है 19,800, इज दैट राइट? एंड डिविजन इज 7,600, 5,280 and 3,960। नाइनटीन एट हंड्रेड राइट है, डिविजन इज 10560, 5,280 and 3,960। फिर पार्टनर्स कैपिटल में फाइनल सेटलमेंट वैभव एंड संजय, इट इज 10560 and 14,280, टू बैंक और इंसॉल्वेंसी था तो डेफिशिएंसी आ रहा है 7,920, 7,920 का ब्रेकअप है 5,280 and 2,640, 5,280 2,640 एंड बैंक टैलीजॉन 6,240, 6,240 बैंक टैलीजॉन 6,240 आया। हेलो नाउ एक सम नंबर 25, वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और फंड समझ में आया?
What are you supposed to do with JLP fund? You transfer it to realization credit, but do not pay off. Do not pay off. It's a liability, right? You can't sell it. So JLP fund you transfer, but you do not pay off. Now take sum number 25. Star mark karna. Very important. Journal bhi hai isme. How many accounts can you make? बताओ हाउ मेनी अकाउंट्स वाई फोर यू हैव गंगाज लोन विल यू मेक अजय इज लोन अजय इज नॉट अ पार्टनर पार्टनर्स आर गंगा यमुना एंड बीना यस वेरी इंपॉर्टेंट सम स्टार मार्क करो फोकस नाउ फर्स्ट स्टेप बताओ फर्स्ट स्टेप इज व्हाट एम्प्टी द बैलेंस शीट सी गंगा यमुना एंड मीना वेर पार्टनर्स इज बी क्वाइट गंगा यमुना एंड मीना वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2:3 इट्स नॉट 3:1 इट इज 1:3 याद रखना उल्टा मत कर देना नाउ Start with cash. How much cash we are having? 3,000. Mila? 3,000 is opening cash you got. Silence. Then. Sit. 3,000 is opening cash in hand. Now, capital accounts of Ganga Yamuna Vina are 8, 16, and 26. So, by Q2, by balance BD, 8, 16, and 26. Bila? Got that? Check. Do you have any reserve to be distributed? एक तो पीएनएल अकाउंट दिख रहा है एसेट साइड पे डिड यू सी दैट क्या करूंगा टू पीएनएल की बाय पीएनएल टू पीएनएल बिकॉज इट इज ऑन द एसेट साइड सो इट इज लॉस 4500 को 1, 2, 3 में करोगे तो डिवाइड बाय 6 750 1500 2250 1:2:3 में गया अभी एकदम ध्यान से देखना यही चीज सब में अलग है दो रिजर्व दिया हुआ है लायबिलिटी पे एक तो है कंटिजेंसी रिजर्व और एक है वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड मिला ये क्या होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड आपने किया था एडमिशन रिटायरमेंट में भी व्हाट इज दैट यू रिमेम्बर कोई इंजर्ड हो जाएगा तो उसको पैसा देने के लिए रखा हुआ बट अगर इंजर्ड नहीं हुआ तो क्या करते थे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे याद है एडमिशन रिटायरमेंट में भी सेम पड़ता था अगर लायबिलिटी है तो उतना लायबिलिटी में रखो अगर लायबिलिटी नहीं है तो पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो लायबिलिटी है तो उतना लायबिलिटी में रखे बाकी डिस्ट्रीब्यूट अगर लायबिलिटी नहीं है तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट ही है वो पार्टनर्स यू गॉट इट हेलो तो कंटिजेंसी रिजर्व का भी फंडा सेम है कंटिजेंसी रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड सिमिलर है खाली वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कोई वर्कर इंजर्ड हो जाए उसके लिए रखा हुआ है और कंटिजेंसी रिजर्व कोई अनफोर्सिंग कंटिजेंट लाइबिलिटी ना आ जाए इसके लिए रखा हुआ है तो कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी आ गई तो रिजर्व में से चुका दोगे अगर नहीं आई तो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इज इट क्लियर तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड बोलो या कंटिजेंसी रिजर्व बोलो दे आर सिमिलर सो चेक फॉर द लाइबिलिटी ऑफ WCF और कंटिजेंट लाइबिलिटी कहीं दिया एडजस्टमेंट में पढ़ो WCF या फिर कंटिजेंट लाइबिलिटी के लिए चेक करो कुछ भी इन्फो है आई थिंक पॉइंट नंबर 8 में दिया हुआ है कैन यू सी दैट रीड पॉइंट नंबर 8
liability towards workmen's compensation fund was estimated to be 2000 and has to be paid off. There was no contingent liability. So they have given you clear cut that out of that WCF reserve of 6000, 2000 का क्या हो गया? Liability. मतलब कोई तो worker injured हुआ है, आपको pay करना पड़ेगा. बाकी का 4 वर्कमैन की, हाँ 3500 में से 2000 की लायबिलिटी, तो बाकी 1500 क्या करो? डिस्ट्रीब्यूट. सिमिलरली कंटिजेंसी रिजर्व में कुछ भी लायबिलिटी आया? कुछ भी नहीं आया, तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट. समझा? लास्ट साइड पर नोट लिखो, जिधर मैंने रिजर्व का नोट दिया था आपको लास्ट टाइम, यार वो जेएलपी फंड वगैरह आपने लिखा हुआ है, उधर लिखो नोट, लिखो वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड कॉमा कंटिंजेंसी रिजर्व एटसेट्रा आर कैप्ट फॉर सम अनफोर्सीन इवेंट. फुल स्टॉप. चेक फॉर द लायबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव रिजर्व. Full stop. The liability part will be transferred to realization and paid off. And the balance will be distributed to all the partners. Full stop. In the absence of any info, it will be distributed to partners. Entire amount will be distributed to the partners. So, what are these reserves? Accident, contingency, workman's compensation fund. ये कोई asset को support करने के लिए नहीं बना है, जैसे JLP fund था, RDD था, support of asset के लिए नहीं बना है, कोई भी unforeseen event के लिए रखा हुआ है. अगर वो अनफोर्सिन इवेंट है तो उसको लायबिलिटी में डालो, पे ऑफ करो. अगर नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट करो. इज दिस क्लियर? इसमें मोटा मोटी यही आता है, कंटिजेंसी और WCF, वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड एंड कंटिजेंसी रिजर्व, यही आता है. एक्सीडेंट रिजर्व का चांस नहीं है तुमको, एग्जाम्पल में दिया है मैंने इसलिए. अभी चलिए यहां पर मुझे बताइए, कंटिजेंसी रिजर्व का कोई लायबिलिटी पार्ट है? दिया है एडजस्टमेंट में कुछ लायबिलिटी कंटिजेंसी रिजर्व का? पढ़ो पॉइंट नंबर 8 में क्या था? नो कंटिजेंट लायबिलिटी, राइट? वर्कमैन का था, कंटिजेंसी का नहीं था, तो क्या करोगे? कंटिजेंसी रिजर्व पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट बाय कंटिजेंसी रिजर्व, फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड. आई थिंक दैट इज 6000. सो 1, 2, 3, एम आई राइट? ये हो गया पूरा डिस्ट्रीब्यूट. अच्छा, WCF को तोड़ना है आपको, उसको ब्रेक डाउन कर देने का, ठीक है? WCF कितना था? 3500 था, राइट? मिला? हेलो. सो आउट ऑफ 3500 विल यू डिस्ट्रीब्यूट एंटायर 3500? यस प्राची, डोंट डिस्ट्रीब्यूट एंटायर 3500, यू डिस्ट्रीब्यूट हाउ मच? 1500. ओनली 1500. सो बाय WCF 1500 को डिवाइड करेंगे तो 2500 में से 1500 डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, और बाकी 2000 कहां लिख दूंगा बता? सन्ड्री लायबिलिटी के साथ, वो सब डिविजन है, ब्रेकअप है. तो इधर आएगा WCF लायबिलिटी कितना था? 2000.
और इसको पे ऑफ भी कर देंगे, ये हमारा रिजर्व है ही नहीं, ये बाहर वाले को चुकाना पड़ेगा। तो पे ऑफ करने का तो इधर डालो और पे ऑफ कर दो। इज दिस क्लियर? इमेजिन करो बैलेंस शीट में दो आइटम थे, WCF फंड था, WCF लायबिलिटी, लायबिलिटी को इधर डाल के पे ऑफ, फंड को डिस्ट्रीब्यूट। ओके, सो ऑल इन ऑल डिसोल्यूशन चैप्टर में आपके पास तीन टाइप के रिजर्व आ सकते हैं। सुना अभी हमने तीनों किए हैं, तीन टाइप के रिजर्व आ सकते हैं। कौन से तीन टाइप है? नंबर वन तो नॉर्मल वाले, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, वो क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पीएनएल वो सब डिस्ट्रीब्यूट। दूसरे वाले लास्ट लेक्चर मैंने बताए थे, एसेट सपोर्टिंग रिजर्व, आरडीडी है, जेएलपी फंड है, जेएलपी के सामने जेएलपी फंड है, लीज होल्ड प्रमाइसेस के सामने लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड है, इन्वेस्टमेंट के सामने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इन सबको क्या करना है? हाउ विल यू ट्रीट देम इन द प्रॉब्लम? ट्रांसफर इट बट डू नॉट पे ऑफ, ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन क्रेडिट बट डू नॉट पे ऑफ, अपने आप लॉस प्रॉफिट एडजस्ट करके पे ऑफ अपना पार्टनर्स में चले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर। और तीसरा अभी किया आपने एक्सीडेंट, WCF, कंटिंजेंसी, इनको क्या करना है? इनके लिए क्या चेक करना है? लायबिलिटी पार्ट है या नहीं? देवांश, लायबिलिटी पार्ट है या नहीं? अगर कुछ लायबिलिटी है तो क्या करो? उतना लायबिलिटी डालो, रियलाइजेशन क्रेडिट और पे ऑफ करो। और अगर लायबिलिटी नहीं है तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करो, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट। एडमिशन रिटायरमेंट में भी यही करते थे, उधर सिर्फ इतना फर्क था, उधर पे ऑफ नहीं करते थे क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू करने वाला है, तो लायबिलिटी में दिखा के छोड़ देते थे। यहां पे बिजनेस बंद होने वाला है तो लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी। इज दिस क्लियर? WCF का फंडा सेम है, जो पोर्शन लायबिलिटी वो लायबिलिटी, जो नहीं है वो रिजर्व। इज दिस क्लियर? तो एग्जाम्पल के फॉर्म में तीनों का एक एक याद रख सकते हो, एक जनरल रिजर्व याद रखो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक RDD याद रखो जो ट्रांसफर होता है लेकिन पे ऑफ नहीं होता, और तीसरा WCF याद रखो। WCF में क्या होगा आपका? थोड़ा पार्ट लायबिलिटी वो पे ऑफ, जो नहीं है वो डिस्ट्रीब्यूट। तीनों का ट्रीटमेंट क्लियर है? सब अपने ही प्रॉफिट से। हाँ नहीं चलेगा ना, वो प्रेजेंटेशन सेम ही हुआ, सबका सेम ही होता है, सभी रिजर्व को मैं इधर डाल देगा ना तो डायरेक्टली पार्टनर में जा ही रहा है वो, बट प्रेजेंटेशन अलग अलग है, इसके लिए नोट वोट सब लिखवाया है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन, बाकी है सब अपना खुद का प्रोसेस, अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही जाने वाला। मैं जनरल रिजर्व भी इधर लिख दूं, पे ऑफ ना करो तो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, बट कुछ डायरेक्टली करना है, कुछ यहाँ पे ट्रांसफर करके करना है। इसके लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन वी आर डूइंग दिस। चलिए वो WCF हो गया, उसके बाद बचे कुछ एसेट्स, सब किधर डाल दो? रियलाइजेशन डेबिट में और लायबिलिटी रियलाइजेशन क्रेडिट में। तो टू सेकेंडरी एसेट्स इधर आएगा आपका मशीनरी, देन यू हैव फर्नीचर, देन यू हैव फिक्स्चर्स, investments, you have got stock, you have debtors, that's it, total is 24, 84, mila, aur sundry liabilities mein WCF to likh diya hai. Will you write contingency reserve? No. बोलो। Will you write creditors? Yes. Will you write Ganga's loan? Ganga's loan अलग है। Account में आ जाएगा by balance BD 10,000. Will you write Ajay's loan? आएगा? Hello. 24,000 आ रहा है ये? टोटल इज बी क्वाइट। सो ऑल द आइटम्स फ्रॉम द बैलेंस शीट हैव बीन ट्रांसफर्ड, चेक कर लो। मिला? हेलो, द फॉर्म वाज रिजॉल्व्ड ऑन दैट डेट एंड द एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज। नाउ वी गो फॉर सेल ऑफ एसेट्स, सो बाय कैश, बाय कैश मशीनरी बेच के कितना मिला?
20,000, then investments realized 7, then debtors realized 7, Villa. Ganga took over her loan, वो तो taken over है, stock was taken over by Yamuna, Ajay's loan was paid, furniture and fixture were taken over, realization expense, additional liability, WCF, contingent, creditors, finish. So I think asset realization में इतना ही है, क्या और कुछ है, इतना ही है, अच्छा buy cash का cash में आएगा to realization, एक बार asset sold हो गया, उसके बाद क्या करना है, एसेट टेकन हो तो चेक करो कोई एसेट टेक ओवर हो रहा है कि आई थिंक पॉइंट नंबर 3 में दिया है यमुना टुक ओवर स्टॉक सो बाय यमुना कैप शी टुक ओवर स्टॉक एट व्हाट प्राइस 14,000 व्हाट एल्स फर्नीचर एंड फिक्स्चर बाय टेकन ओवर विना 10% लेस देन द बुक वैल्यू दिख रहा है पॉइंट नंबर 5 बिला सो बाय विना कैप व्हाट डिड शी टेक अवे फर्नीचर एंड फिक्स्चर एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू तो 7,000 का आई थी टुक इट अवे फॉर 6,300 12,000 फिक्स्चर अलग अच्छा ये अमाउंट ही है इधर 24,000 का 10% उड़ा दो फर्नीचर इज 7+2 19,000 माइनस 10% 17,000 फर्नीचर एंड फिक्स्चर दोनों का अलग अलग लोगे 10% तो भी चलेगा साथ में उड़ाओ तो भी चलेगा ओके और कोई एसेट टेकन ओवर है वंस यू आर डन विद एसेट मूव टू लाइबिलिटीज लेट्स पे ऑफ द लाइबिलिटी इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट अ पर्टिकुलर एसेट व्हाट डू यू डू एसेट का इन्फो नहीं दिया तो इग्नोर लाइबिलिटी का नहीं दिया तो पे ऑफ सबसे पहला ट्राई टू पे ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस डू यू हैव एनी 2900 उसके बाद यहां पे चेक करो WCF लायबिलिटी विल यू पे ऑफ यस WCF लायबिलिटी वर्कर को इंजर्ड हो गया उसको पैसा देना पड़ेगा 2000 वो एक्सटर्नल है इसको भी पे ऑफ कर रहा है क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर रहा है कुछ दिया इन्फो में लास्ट पॉइंट क्रेडिटर्स वेर पेड 12,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स सो क्रेडिटर्स को चुकाया 12 ओके अजय लोन को पे ऑफ करना है पॉइंट नंबर 4 में देखो अजय लोन वॉज पेड अलोंग विद इंटरेस्ट एट 12% फॉर 3 months इंटरेस्ट कितना आएगा इस पे 8,000 पे 12% फॉर 3 months 240 राइट तो 8,240 कितने में चुकाया 8,240 240 आया ना इंटरेस्ट 8,000 पे 12% फॉर 3 months 240 तो ये 8 था इसको 8,240 दिया ये 14 था इसको 12 दिया 2 का 2 एंड रियलाइजेशन कोई और लाइबिलिटी है जो चुकानी है यस पॉइंट नंबर 7 वेरी गुड इन एडिशन एन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ 2500 was finally settled for 2200 and paid off immediately. Was this recorded or unrecorded? So book value was 0. अभी कितने में चुकाया? 2500 की 2200. कौन सा value लो? 2500 ले लूं? नहीं. कितने में चुकाया finally? वो कितने का भी होने दो. कोई फर्क नहीं पड़ता. बुक में तो 0 था. 0 का पैसा कितना गया straight? 2200. बस जो paid off value है वही. बाकी कुछ भी होने दो. 2500, 2000, 3000, 1500. We are not bothered. 2200 इतना ही पेड ऑफ है एडेड अप व्हाट इज द टोटल 27,340 तो एसेट सोल्ड एसेट टेकन ओवर लायबिलिटी पेड ऑफ लायबिलिटी टेकन ओवर है क्या कुछ वो तो लोन है ऊपर कोई एक्सटर्नल खत्म अच्छा इन सब का करस्पॉन्डिंग एंट्री टू कैश का बाय रियलाइजेशन 27,340 बाय कैश का टू रियलाइजेशन लिख दिया मैंने और बाय कैपिटल का टू रियलाइजेशन गंगा में यमुना इट इज 14,000 एंड वीना इट इज 17,100 इज दैट क्लियर हेलो अभी गंगाज लोन पे जाओ मुझे बताओ गंगाज लोन का क्या सीन है
इज इट पेड ऑफ और टेकन ओवर? तो अगर पेड ऑफ होता तो क्या एंट्री करते थे? टू कैश, लोन टू कैश. टेकन ओवर है तो क्या होगा? टू गंगा कैश. और वो भी अमाउंट देखो क्या भाव पे टेक ओवर हुआ है. ऐसा कैसा लोन था 10 का लेकिन टेक ओवर हुआ 9,800. करेस्पॉन्डिंग एंट्री कैपिटल में आएगा बाय गंगाज लोन 9,800. मतलब वो ज्यादा प्राइस में गया कि कम? कम. तो बिजनेस का गेन है कि लॉस? प्रॉफिट ले रहा है. गेन था यू कि वी आर सपोज टू पे आर 10 बट वी आर गिविंग ओनली 9,800. सो वी आर पेइंग लेस. दैट्स अ गेन. वेयर डू यू ट्रांसफर दिस गेन ऑफ 200? Realization. Remember the difference in the loan account. Always goes to realization. So whatever the difference in loan will be going to realization. Ganga mein to realization. Realization mein buy. Ganga's loan. Kitna hai? 200. This is gain on loan. Gain on loan. And with that, I think your sum is over. None of the partner is insolvent. Just check whether you have covered all the points. Yes. Miss out nahi hona chahiye. Sare points cover hone chahiye. No, no. Added up. What's your total? 111. And loss profit. Loss. Of? 22040. Okay. Yes, Yemen. Realization mein two Ganga gap aur niche Ganga loan nahi rehta. रियलाइजेशन में क्यों लिखोगे गंगा कैप? अरे ये गंगा लोन टेक ओवर का बोल रहे हो. तो गंगा लोन का टेक ओवर एंट्री क्या है? लाइबिलिटी टू कैपिटल. एडमिशन रिटायरमेंट में करते हो ना, नॉर्मल लाइबिलिटी टेकन ओवर. अगर वो रियलाइजेशन के अंदर होती लाइबिलिटी तो फिर रियलाइजेशन टू कैपिटल. ये गई नहीं है रियलाइजेशन में, ये बाहर ही पड़ी है लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी घटा और कैपिटल बढ़ा. जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में होता था सेम. तो लोन में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय लोन, बराबर. और डिफरेंस है वो प्रॉफिट हो गया, वो रियलाइजेशन. बाकी किसी का प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं होता, इसका हुआ क्योंकि ये बाहर थी. ये भी रियलाइजेशन होती तो इसका भी प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने करता, अलग से नहीं करता. ये बाहर थी इसके लिए इसका गेन गया है. लॉस होता तो लॉस डेबिट में जाता. व्हाट इज द डिफरेंस? 22040 आया एंड डिविजन 1, 2, 3 3673 7347 11020 3673. इधर टू रियलाइजेशन 3673 7347 एंड 11020. शट डाउन योर कैपिटल. आई थिंक गंगा इट इज सरप्लस. इट इज 9 9 18 19 050 आ रहा है. हेलो यमुना का भी नहीं डेफिसिट आ रहा है ना. 14 21 22 8 47 आई थिंक है ना. एंड वीणा का भी डेफिसिट 370. And difference? Ganga ka 14627. 14627. Yamuna ka 4347. 4347. And? 620. Ye buy cash. Ye 2 cash. Buy cash ka 2. Yamuna and 2. Veena. 4347 620 लेके आए ये लोग. और इधर बाय गंगा 14627. टैलीज ऑन 41967. प्लीज चेक. ड्रॉ द जर्नल. जर्नल ड्रॉ करो.
આવી ગઈ ને આમાં તો ગેસમાં બધી સાથે શું છે રેકોર્ડેડ હો કે અનરેકોર્ડેડ હો એન્ટ્રી રિમેન્સ સેમ અલગ કિસકા હે મારી બાત ના સુનો કે વો બહાર બાકી સબ લાયબિલિટી સબ એસેટ કા કોઈ પાર્ટ હો સકે યા તો સોલ્ડ પેડ ઓફ યા તો ટેક ઓફ ટેકન ઓવર કેપિટલ બોથ પેડ ઓફ તો કેશ ના બાત दो साइड का जर्नल बनाना टू साइड जर्नल प्लीज बी क्वाइट नाउ करो डिस्कस चलो बताओ फर्स्ट एंट्री किसका करो पीएनएल का शुरू करते हैं पीएनएल क्या होगा एंट्री गंगा यमुना वीना टू पीएनएल गंगा यमुना वीना क्या टू पीएनएल स्टार्ट गंगा यमुना वीना टू पीएनएल गंगा यमुना वीना टू पीएनएल बीइंग अक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बीइंग accumulated loss distributed being accumulated loss distributed ganga yamuna veena to pnl being accumulated loss distributed being accumulated loss distributed okay दूसरा और तीसरा किसका करोगे आप रिजर्व का करोगे दो रिजर्व है दिख रहा है आपको एक कंटिंजेंसी है एक डब्ल्यूसी है पहले कंटिंजेंसी का बताओ कंटिंजेंसी रिजर्व टू गंगा यमुना वीना मत करो जितने रिजर्व लॉस अलग दिखाओ तो बेटर कंटिंजेंसी रिजर्व टू गंगा यमुना वीना बेटर शो देम सेपरेटली कंटिंजेंसी रिजर्व टू गंगा यमुना वीना बीइंग कंटिंजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिंजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बीइंग कंटिंजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट नेक्स्ट डब्ल्यूसीएफ टू गंगा यमुना वीना being WCF distributed WCF to Ganga Yamuna Veena being WCF distributed WCF to Ganga Yamuna Veena being WCF distributed okay what next Big journal entry. Big journal entry. Entry number 4 and entry number 5. Big entry. Karo fourth entry. Realization to machine, to furniture, to fixture, to investment, to stock, to debtors. Big journal. Resolution is incomplete without big journal entry. Realization to machine, to furniture, to fixture, to investment, to stock, to debtors. Okay? क्या लिखोगे narration B? Sundry assets transferred to realization. Sundry assets transferred to realization. अभी का सब करते जाओ ठीक है लिखो लिखो Sundry assets transferred to realization. Sundry assets transfer to realization. What next? ये क्या होगा WCF creditors adjust loan to realization. WCF creditors adjust loan to realization. WCF creditors adjust loan to realization. Being WCF creditors adjust loan transfer to realization.
being WCF, creditors, Ajay's loan, transferred to realization. Being WCF, creditors, Ajay's loan, transferred to realization. नेक्स्ट वन ये क्या होगा, ये क्या होगा सिक्स्थ एंट्री, कैश टू रियलाइजेशन टाइम राइट एसेट अकाउंट. इतना टाइम हो गया अभी, कैश टू रियलाइजेशन. डू नॉट राइट एसेट और लाइबिलिटीज नेम बिकॉज एसेट एंड लाइबिलिटी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, दे आर नो मोर इन एक्सिस्टेंस. कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन कितना आएगा, कैश टू रियलाइजेशन 34,000 बीइंग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज. कैश टू रियलाइजेशन 34,000 बीइंग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज. कैश टू रियलाइजेशन 34,000 बीइंग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज, बीइंग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज. व्हाट अबाउट दिस सेवेंथ वन, जब कर सकते हो क्या होगा, यमुना वीना टू रियलाइजेशन, सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर. यमुना वीना टू रियलाइजेशन अलग अलग भी कर सकते हो, क्लब भी कर सकते हो. अलग किया तो गंगा टू, सॉरी यमुना टू रियलाइजेशन, वीना टू रियलाइजेशन. क्लब किया तो यमुना वीना टू रियलाइजेशन बी सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर, बीइंग सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर, being sundry assets taken over. Got it? Okay. What next? You move to liability. So what is this entry, Nitya? Realization to cash. Realization to cash, 27,340. Being sundry liabilities paid off. 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 Ye kya complete option thi wo? Realization to cash 27,340 being sundry liabilities paid off. Sorted? Yes sir. Now you move to loan. There was loan also in the sum. So you can club these two entries. Yes. Ganga's loan to Ganga cap to realization. Debit hua hai na? So Ganga loan to Ganga cap to realization. Ganga's loan to Ganga cap to realization. Being Ganga's loan paid off at discount. Being Ganga's loan paid off at discount. Ganga's loan to Ganga cap to realization. Ganga's loan paid off at discount. Ganga's loan paid off at discount. Fir bas last ke teen. Ye 10 for loss. Ye 11 final settlement and 12 final. बहुत बड़ा हो गया sir. लिखो दो साइड. लिखो इधर क्या होगा loss का entry? क्या होगा ये entry? गंगा यमुना वीना टू रियलाइजेशन. गंगा यमुना वीना टू रियलाइजेशन बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर. गंगा यमुना वीना टू रियलाइजेशन बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर. बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर. बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर. Then loss transfer किया, उसके बाद final settlement. ये क्या होगा entry? गंगा cap to cash. गंगा cap to cash. और इसका क्या होगा? Cash to Yamuna bhi. गंगा cap to cash and cash to Yamuna bhi. बोलता हूँ रुको. गंगा cap to cash and cash to Yamuna bhi ना. मिला? गंगा कैप टू कैश एंड कैश टू यमुना बीना बीइंग फाइनल सेटलमेंट्स मेड. बीइंग फाइनल सेटलमेंट्स मेड
being final settlements made. Okay, take some number. इलेवन सम पूरा कुछ से करो। इलेवन सम में एक ही आइटम अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, जरा ध्यान से देखो। इसमें भी डब्ल्यू सी एफ है, दिख रहा है आपको डब्ल्यू सी एफ? दिखा, कम ऑन टेल मी, डब्ल्यू सी एफ कितना दिया हुआ है लाइब्रेरी में? 21,000 मिला। उसमें लास्ट फिफ्थ पॉइंट पढ़ो, लाइबिलिटी फॉर डब्ल्यू सी एफ वॉज हाउ मच? 9। तो 21 में से 9 तो लाइबिलिटी है, वो चुकाना पड़ेगा, इंजर्ड हो गया कोई वर्कर, बाकी 12 क्या करो? डिस्ट्रीब्यूट। तो 12,000 डिस्ट्रीब्यूट, 9,000 लाइबिलिटी में लाके पे ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, एक और आइटम है, डब्ल्यू सी एफ तो किया था अभी आपने, लोन टू रहीम, वेरी गुड। लोन टू रहीम दिख रहा है आपको, सुनो अभी ध्यान से, इज इट लोन टेकन और लोन गिवन? बोर्ड में देखो सब लोग, लोन टू रहीम लोन दिया है कि लोन लिया है? लोन दिया है कि लिया है? दिया है। हम लोग किसका अकाउंट बनाते हैं, लोन लिया हुआ लोन का कि दिया हुआ लोन? ये लोन क्या है, टेकन है कि गिवन है? टेकन है। टेकन है तो अलग अकाउंट बनेगा, गिवन है तो अलग अकाउंट। अब लोन टू रहीम इज एन एसेट और अ लायबिलिटी, तो सोचो जरा, एसेट के बारे में कोई इन्फो ना दी होती तो इग्नोर मारते, बट लोन टू रहीम तो साला अपना ही पार्टनर है। आप सोचो ना, लोन आपने पार्टनर को लोन दिया है, हाँ, और उधर कैपिटल में उसी को पैसा देना बाकी है, तो बिजनेस का येड़ा है वो पैसा छोड़ देगा और कैपिटल का पूरा पैसा दे देगा। इमेजिन करो, लोन टू रहीम कितना है यहां? 15,000, मतलब बिजनेस हैज टू रिसीव फ्रॉम रहीम, और रहीम का कैपिटल कितना है? 10,000, उसको 10 देने का है, ये छोड़ दे वो 15 और 10 दे दे, तो ये एकमात्र ऐसा एसेट है, एकमात्र ऐसा एसेट है जो हमेशा रिस्पेक्टिव पार्टनर विल टेक ओवर, रिस्पेक्टिव पार्टनर विल टेक ओवर। टेक ओवर मतलब उसके कैपिटल में डेबिट कर दो, समझो लॉजिक। वैसे अगर फर्नीचर का कोई इन्फो नहीं है तो मैं इग्नोर मारेगा, नो सेल वाले, बिल्डिंग का कोई इन्फो नहीं है इग्नोर मार देते, मोटर कार का इन्फो नहीं है इग्नोर मार देते, क्योंकि एक रुपया आने वाला, लेकिन लोन टू रहेंगे अपना ही पार्टनर है, उसका पैसा क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि उसको कैपिटल में देना है ना अपने को, समझ रहे हैं? बाकी ऐसे तो थर्ड पार्टी को बेचने हैं, ये थोड़ी बेचना है, ये तो रहीम से ही लेना है। तो आप इमेजिन करो, रहीम से लेने का पैसा छोड़ दोगे और पूरा दे दोगे कैपिटल? विल दैट बी राइट? नो। So what do you do? Deduct it from his capital. How do you deduct it from his capital? How do you reduce it from his capital? Debit it. तो जब transfer कर रहे हो ना asset liability, सुनो ध्यान से, board पे देखो, when you transfer the asset and liability, don't put loan to Rahim in sundry asset, इधर नहीं डालने का, सीधा capital में to loan to Rahim, in whose column? रहीम कॉलम। तीन पार्टनर है, राम रहीम श्याम, ओके। तो रहीम के कॉलम में कितने का लोन है वो? राम श्याम रहीम है, राम रहीम श्याम, राम श्याम, राम श्याम रहीम, इधर लिख दो 15, फिनिश, बस और कुछ करने का नहीं। अब क्या हो गया, इसका कैपिटल डेबिट हो गया, मतलब कम हो गया, तो फाइनल सेटलमेंट के 15,000 कम दे, समझा? विल यू पुट लोन टू रहीम इन एसेट?
Will you realize it? Take money? Nothing, nothing, nothing. When you empty the balance sheet, when you empty the balance sheet, just give that loan to Rahim, to Mr. Rahim. Capital में डाल दो, खत्म करो. बात समझ में आई? ये खाली किसके लिए एप्लीकेबल है? लोन टू पार्टनर, क्योंकि उसको कैपिटल का पैसा देना है, तो उसी में से काट लो. बाकी किसी एसेट का इनको नहीं दिया होता तो मैं क्या करता? रियलाइजेशन एसेट में डाल के छोड़ देता, इग्नोर करता. इसको इग्नोर नहीं करने का. सुना? लोन टू रहीम, सीधा कैपिटल डेबिट, बस और कोई इफेक्ट नहीं है इसका. करो फटाफट, खुद से ट्राई करो. 15 मिनट्स, वाइंड इट अप, देन वन मोर सॉन्ग. ये बड़े बड़े
बस 4 मिनट लगा आती है।
मतलब पहले पहले ट्रांजेक्शन करा रहे पब्लिक रियलाइज व्हाट एक्सपेंसेस से शू करवानी है जरा जनरल नॉर्मल आ गए जी।
फर्स्ट पॉइंट वाज एन एडजस्टमेंट बिग क्वेश्चन है दूसरा नहीं कमीशन देने का है बार बार एक ही ना रियलाइजेशन वो करने वाला है हाँ तो नहीं है तो क्यों करना है एंट्री इतने समय नहीं इसका मतलब श्याम को कमीशन देना है बस और श्याम सब बेयर करेगा खर्चा वर्चा बिजनेस का है ही नहीं उधर अभी कभी कोई कोई सब में रियलाइजेशन एक्सपेंस होता ही नहीं है देखा होगा आपने उधर पर्सनली पार्टनर ही कर डालता है पर्सनल वे में करता है बिजनेस के नाम पे नहीं करता कमीशन का क्या होगा एंट्री रियलाइज किसको बिजनेस हैज टू गिव इट टू पार्टनर रियलाइजेशन पे टू कैपिटल कैपिटल में बाय नहीं खाली कमीशन ही है रियलाइजेशन एक्सपेंस का एंट्री नहीं है कैपिटल आया बिजनेस हैज टू पे टू पार्टनर ना कमीशन गाइस गाइस कमीशन का एंट्री क्या आएगा बिजनेस हैज टू गिव इट टू पार्टनर तो बिजनेस का एक्सपेंस हुआ पार्टनर का गेन हुआ ना देना बाकी है सैलरी टू पार्टनर कमीशन रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइनल अकाउंट कितनी बार किया रियलाइजेशन डेबिट साइड टू कैपिटल कैपिटल में बाय रियलाइजेशन बैंक में नहीं बिजनेस कभी पे ऑफ या रिसीव नहीं करता है पेएबल रखता है अभी तो चालू है पार्टनरशिप सैलरी टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम भी रोकड़े में लेते हो गया उसको सब पेएबल रखते हो रियलाइजेशन डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट बिजनेस कभी पार्टनर को रोकड़े में कुछ नहीं देता Did you get it? Commission. What is the entry for commission? Realization to capital. Sham cap. Realization में sham cap. Sham cap में buy realize. 5% of all the assets realized in cash. मतलब ये जो आएगा ना कितना आया 1.5 लाख का पार्ट 7.5 का Assets realized in cash. रियलाइजेशन में टू श्याम क्या श्याम क्या में बाहर ले रहे अभी रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस आया लॉस रियलाइजेशन लॉस ऑफ 57,000 का लॉस है लॉस ऑन रियलाइजेशन इज 57 19 आया अभी
डेटर्स वाला है आपको 50% ऑफ द डेटर 10% डिस्काउंट, बाकी 50% 1000 रुपया कम, बाकी तो इट इज ऑल नॉर्मल। अच्छा पीएनएल अकाउंट 2 PNL की बाय PNL? बाय PNL, लाइबिलिटी में तो प्रॉफिट है वो, जनरल रिजर्व भी बाय जनरल रिजर्व। रियलाइजेशन लॉस आया 57, व्हाट इज द कैपिटल फाइनल सेटलमेंट, बाय कैश है कि 2 कैश है? 2 का 2 बैंक है, 1 का बाय बैंक है, 2 बैंक आ रहा है 29,104,500 और बाय बैंक आ रहा है 7,000। आया 1 का 7 है और 2 का ये बाजू है, 40,164,500। कमीशन का एंट्री क्लियर है? कमीशन सिर्फ कमीशन ही आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस आएगा ही नहीं, वो पर्सनली बेयर कर रहा है, उसको कमीशन मिल गया ना, बिजनेस उसको कमीशन दे रहा है, फिनिश। एक्सपेंस तो मारो एंट्री, नहीं है तो कुछ नहीं, दैट मींस ही इज बेयरिंग इट पर्सनली। लास्ट सम, सम नंबर 14 सम ले लो फटाफट, टेक सम नंबर 14 ऑल ऑफ यू, शेफाली साधना एंड सोनाली, नाइस मस्ती नहीं होटीन सम क्विकली ड्रॉ फास्ट 164.5। चलो 14 सब स्टार मार्क करना उसको भी। हाउ मेनी अकाउंट्स विल यू मेक? 3। रियलाइजेशन कैपिटल एंड बाय देखो, सबसे पहला बैंक एम्प्टी द बैलेंस शीट 18970 इजी क्वाइट फटाफट, देन कैपिटल्स शेफाली एंड साधना आर ऑन क्रेडिट साइड, शेफाली का है 140, साधना इट इज 70, सोनाली's कैपिटल इज ऑन द डेबिट साइड एसेट साइड, सो टू बैलेंस बीडी इट इज 40250। लास्ट सम हो रहा है टैली 164500। आया अभी मेन चीज खाली वो लोन टू रेंट था, उसको खाली कैपिटल डेबिट में डालना था, कमीशन तो पहले भी बेयर डन, एक्सपेंस है तो करने का, नहीं है तो छोड़ दे, मतलब वो पर्सनली बेयर कर, एक्सपेंस का कोई एंट्री नहीं है। आया पिछला सम, आया एनी डाउट इन द प्रीवियस सम? प्रीवियस सम एनी डाउट? बोलो जमा। नाउ लास्ट सम, सम नंबर 14 ले लो, पहले बैंक बैलेंस लिखा फिर कैपिटल लिखा, चेक करो कोई लोन अपना सॉरी रिजर्व वगैरह है, और लोन अकाउंट तो दिया लेकिन शीतल लोन है, शीतल पार्टनर सो थर्ड पार्टी लायबिलिटी। चलो लेट्स ट्रांसफर द अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बट वेट जस्ट अ मिनट लिसन, देखो ध्यान से,
empty the balance sheet. So two sundry assets. Two sundry assets. Okay. बोर्ड पे देखो. सेंडरी एसेट्स ट्रांसफर करते जाओ. सबसे पहला मशीनरी 141750. स्टॉक इज 26425. लाइफ पॉलिसी, व्हाट इज लाइफ पॉलिसी रिमेम्बर? होमवर्क में भी था आपके. ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है. सॉरी, इट मीन्स इट इज शोन एट सरेंडर वैल्यू. सरेंडर वैल्यू मतलब दिस इज एंडाउमेंट पॉलिसी. आज अगर डिसकंटिन्यू करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 49 मिलेगा. दैट इज द मीनिंग. देन यू हैव इन्वेस्टमेंट्स 2020, दैट इज 51905. बुक डेट का मतलब क्या है? डेटर्स. बुक डेट्स आर डेटर्स 30 to 550. कैपिटल बैंक नहीं लिखना है. टोटल मारो 301630. मिला 301630. Got that? Okay. Then buy sundry liabilities. Buy sundry liabilities. What are the liabilities you have got? Sheetal's loan hai. Mila? Sheetal's loan is how much? 35,000. Sheetal's loan is 35,000. Mila? Is this clear? Okay. Then you have got creditors. Creditors are 64,750. And you have joint life policy fund. What is joint life policy fund? Just like RD. कितना है वो? 49,000. RDDB है. RDD is 2100. टोटल अब कितना है? 1,114,960. बराबर है? 150,850. मिला? अभी देखो. फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है ऑन स्क्रूटिनी. It was noticed that investments worth 10,500 owned by the firm were left out to be recorded. So, ये क्या unrecorded है? और आगे दिया, this was given over to the creditors against their dues at this value, that is 10,500. इसका मतलब क्या है? कि creditors को आपको total कितना देना था? 64,750. इमेजिन करो कि अनरिकॉर्डेड एसेट था, इन्वेस्टमेंट वो 10,500 का, मतलब बुक में तो जीरो था और कितना रियल है, कितना वैल्यू था उसका? 10,500. तो अगर वो रियलाइज करते तो क्या एंट्री लिखते? बाय कैश. रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड सबका सेम है. बाय कैश 10,500 और फिर आप क्रेडिटर्स को पूरा चुका देते 64,750. बट इधर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा नहीं आया ना ही क्रेडिटर को पूरा चुकाया. हमने वो जो इन्वेस्टमेंट था 12 बारी किसको दे दिया? क्रेडिटर्स को दे दिया. इन्वेस्टमेंट जो भी बाहर का पड़ा हुआ था 10,500, दैट वी डायरेक्टली गेव इट टू क्रेडिटर्स. मतलब इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा लिया ही नहीं. समझ आ रहा है? इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली क्या दे दिया? क्रेडिटर्स को दे दिया. तो क्रेडिटर्स का 10,500 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? तो क्रेडिटर्स को कितना चुकाओगे अभी आप?
54,250. Instead of 64,750, you will pay them 54,250. Net effect is same. Either up, either 10,500 ligo or either 64,750 ligo. 10,500 realize kiya or 64,750 pay off kiya. Iske jage pe, saadhe das uda ke, idhar kitna likh do? 54,250. Idhar do entry nahi karni hai. Investment bech ke paise nahi aa rahe aur creditor ko pura nahi chuka rahe. Bahar pade the investments, wo seedha utha ke kisko de diya? Creditors. Uska book mein koi entry aayega hi nahi. इन रियलिटी आता है प्रैक्टिकली, पहले आप रिकॉर्ड करते हो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, फिर क्रेडिटर टू इन्वेस्टमेंट, फिर न्यू वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में जाता है, बट वो प्रोसेस अभी आपको नहीं है 12th में। यहां पर 12 बारी अनरिकॉर्डेड एसेट अगर किसी लाइबिलिटी को दिया जाता है, इफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज गिवन टू सेटल अ लाइबिलिटी, नो एंट्री फॉर दैट। मतलब 10,500 पैसा आया भी नहीं, 10,500 पैसा दिया भी नहीं, फिटूस आया गया नलिफाइड। तो सीधा क्रेडिटर्स को कितना चुका हो गया? 54,250, 10,500 कम, 54,250। लॉजिक क्या है? 10,500 आया, 10,500 दिया, दोनों को क्या किया? नलिफाइड। एंट्री करने का जरूरत नहीं, वही अलग है, बाकी सब सेम। तो वही है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट रीड करो। ऑन स्क्रूटिनी इट वॉज नोटिस दैट इन्वेस्टमेंट वर 10,500 वर ओन्ड बाय द फर्म लेफ्ट आउट टू बी रिकॉर्डेड। This was given over to the creditors against their dues, that is of 10,500. साढ़े दस दोनों नलिफाय। सीधा क्रेडिटर को जब चुकाओगे तब कितना चुकाओगे? 54,250। अभी बाकी एसेट रियलाइज कर लो, बाय कैश की बाय बैंक। बाय बैंक विल यू राइट इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड? क्यों? डायरेक्टली गिवन ओवर टू क्रेडिटर, पैसा आया भी नहीं, पैसा गया भी नहीं, डायरेक्ट सेट ऑफ किया, नो एंट्री फॉर दैट। ओके, I'll give you a note. The joint life policy was surrendered. Joint life policy is an asset. कितने में surrender हुआ? 42. कितना लग रहा था आएगा पैसा? 49. वो भी नहीं आया, कट गया पैसा। तो बताया था ना मैंने last time तो। शिवाली agreed to take over investment and to pay out Sheetal's loan. Sadhana took over stock and book debts. Machinery realized. Machinery बेच के कितना आया? 292,500. Remaining debtors realized at 50% of the book value. तो debtors का एक छोटा सा नोट बना लो। debtors था कितने का? Book debts दिया रहेगा 32,550. उसमें देखो पॉइंट नंबर फोर book debts, साधना टू गोवर book debts of 17 at 14, मिला 17,000 का debtor, वो कितने में लगी गई? 14,000 में लिखी गई, मिला। दिस इज टेकन ओवर बाय साधना, 17 का 14 में गया, बचा कितना? 32,550 में से 17,000 गया, 50,550। ये रिमेनिंग डेटर्स है, उसका दिया हुआ है दे रियलाइज हाउ मच? 50%। तो आई थिंक 7,775 इतना डेटर से पैसा आया। लास्ट समय भी था ना, आपने जो किया, आधा डेटर 10% डिस्काउंट, आधा डेटर्स एट 1000 लॉस, गॉट इट? दैट्स अबाउट इट। एसेट बेच के आई थिंक इतना ही पैसा आया है, कुछ और आया? टोटल मारो 34,275। एसेट रियलाइज्ड आर डन, देन मूव टू लायबिलिटीज। इज देयर एनी लायबिलिटी टेकन ओवर? शिफाली टू ओवर इन्वेस्टमेंट। तो पहले शिफाली क्या लेके गई? इन्वेस्टमेंट कितने का? 61,250। और कुछ लेके गई शिफाली? एसेट में कुछ लेके गई? 61,250। साधना टू ओवर स्टॉक एंड बुक डेट्स। साधना टुक ओवर स्टॉक एट 24,500। बुक डेट्स मतलब क्या? डेटर्स ऑफ 17 at 14, तो 38,500 टोटल लेके गई वो। बस खत्म। मूव टू लायबिलिटीज टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंस है, चेक करो, मिला 2100। पॉइंट नंबर सिक्स,
और क्या चुकाने का है? शीतल स्लोन के बारे में क्या दिया? आई थिंक वो टेक ओवर हो रहा है. क्रेडिटर्स के बारे में कुछ दिया? प्लीज रीड. क्रेडिटर्स के बारे में फर्स्ट पॉइंट पे कुछ तो दिया है. क्या दिया था? पढ़ो. 10,500 का क्या दे दिया उसको? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट. तो विल यू पे ऑफ अगेन 64,750? नो. 64,750 माइनस 10,554,250. जब भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट किसी लायबिलिटी को दिया जाएगा उसका कोई सेपरेट एंट्री नहीं, सीधा इतना कम कर दो. अच्छा, विल यू पे ऑफ जेएलपी फंड? इट्स लाइक आरडीडी. विल यू पे ऑफ आरडीडी? नो. एसेट के लिए सपोर्टिव रिजर्व है तो उसको पे ऑफ नहीं करना, अपना ही प्रॉफिट है, लॉस वगैरह एडजस्ट करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो लायबिलिटीज में आती इतना ही. और कुछ है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड ऑफ? ऐसा टोटल 56,350. और कोई लायबिलिटी टेक ओवर हुआ है? शीतल लोन हुआ है ना? कौन लेके गए शीतल? शेफाली, नित्या, क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है. तो शेफाली कैपिटल, व्हाट डिड शी टेक ओवर? शीतल्स लोन एट व्हाट वैल्यू? चेक. 35,000 मिला. गॉट दैट? और कुछ टेकन ओवर है लायबिलिटी पार्ट पे? चेक कर लो अपना सारा लायबिलिटी हो गया है. शीतल लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, जेएलपी आरडीडी तो है नहीं पे ऑफ करने लायक, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी किया है, अनरिकॉर्डेड है कुछ. डू यू हैव एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी? चेक. वापस सारे पॉइंट्स गो थ्रू कर लो. कुछ बचा है? लोन वन था कुछ? नहीं. करस्पॉन्डिंग एंट्री कर लो. टू बैंक का बाय रियलाइजेशन 56,350, बाय बैंक का टू रियलाइजेशन 342,275, इधर टू रियलाइजेशन, शट अप, दिस इज 61,250 एंड 38,500, एंड टू शेफाली का बाय रियलाइजेशन इट इज 35,000. डन करो. टोटल बताओ. 592,875. प्लीज चेक. 592,875 लॉस है, प्रॉफिट है? प्रॉफिट ऑफ 199,895. डिविजन इक्वल है क्या? व्हाट इज द रेशियो? 2:1. 3,999. 3 तो वन पार्ट होगा. आई थिंक गड़बड़ है. प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस में गड़बड़ है. क्लियर है? किसी का हुआ है टैली? क्या करो टैली करो यार फटाफट. 3,99,79 इंटू टू करो. सेवन नाइन फाइव एट. सरप्लस ही है ना सबका? नहीं, एक का डेफिसिट, एक का चिंदी सा अमाउंट आएगा. इसका 254,958.
और माइनस करके 193708 है ना सर। हाँ शिवम का कैसे शटअप ये कितना आ रहा है तीसरे का टैली हो रहा है क्या ये तो आ रहा है हाँ तो आ सकता है। लिखो नोट लिखो सब के बाद लास्ट लास्ट पेज पे नोट लिखो लास्ट पेज पे नोट बता रहा हूँ लास्ट पेज पे लिखो व्हेनेवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज गिवन टू सेटल अ लायबिलिटी whenever an unrecorded asset is given to settle a liability there will be no entry for the same full stop however the liability will be paid off after subtracting that asset और एक लिखो whenever loan to partner ऐसा inverted column में लिखना whenever loan to partner is given in the problem it will be transferred directly to respective partner's capital debit side ये समझा लोन टू रहीम वाला होमवर्क आ जाएगा स्टैंडर्ड एक बुक से बुक की।